काला हिरण शिकार मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली तब्बू और दुष्यंत सिंह पर आज फैसला सुनाया जाना है। अजीब संयोग है, जुर्म 1 अक्टूबर 1998 को हुआ, तब भी दिन गुरुवार ही था और आज इस मामले में फैसले का भी दिन गुरुवार ही है। सलमान समेत तमाम सितारों पर काले हिरण के शिकार की पास जस की तस बरकरार है, लेकिन सलमान की तरह इस मामले में इंसाफ का इंतजार कंकड़ी गांव के लोग भी को है। विश्वई समाज के लोग काले हिरण और चिंकारे को अपने घर के संतानों की तरह मानते हैं। गांव के लोग भी इनके संरक्षण के लिए जान छिड़कते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक 1 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कंकाड़ी गांव में रात करीब 2 बजे खेत के आसपास अंधेरे में हेडलाइट की रोशनी चप गई। सफेद रंग की जिप्सी एक ही इलाके में लगातार घूम रही थी। गांव के लोगों को समझते देर नहीं लगी कि यहां शिकारी आदम के हैं, काले हिरण के शिकार की कोशिश में है। गोली की आवाज जब सुनाई दी तो शक यकीन में बदल गया। आधी रात को गोली चलने की आवाज आई तो गाँव वाले जग गए और लाठी डंडों के साथ उसी तरफ दौड़ पड़े जिधर से आवाज आई। वहां पहुंचते तो देखा कि 2 काले हिरणों का शिकार किया गया है। इसके लिए जिप्सी में सवार होकर कुछ आधुनिक में दिखने वाले नौजवान लड़कियां लड़के सामने आए थे। ग्रामीणों ने पीछा किया तो तमाम शिकारी जिप्सी लेकर भाग खड़े हुए, लेकिन हालांकि जसवदीत बताते हैं कि भागती जिप्सी में बैठे सलमान को लोगों ने तुरंत पहचान लिया, लेकिन अदालती सुनवाई के दौरान गोगा राम अपने बयान से पलट गए, बल्कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर कोर्ट में अर्जी लगा दी कि उसे कुछ याद नहीं रहता, लिहाजा उसे गवाही से अलग रखा जाए। उस घटना के बाद दोनों को काले हिरण का पोस्टमार्टम हुआ, जिसकी रिपोर्ट अदालत में जमा हुई। इसके बाद सैकड़ों लोगों के सामने पारंपरिक तरीके से दोनों के काले हिरण को दफनाया गया, मगर उस दिन का मंजर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सलमान और उनके साथी शिकार के गुनाहगार है या बेकसूर, ये फैसला तो आज अदालत का ही होगा। 23 न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।